शरीर फौलादी, इरादे चट्टानी, हौसला ऐसा कि मुसीबत आए तो मुसीबत ही मुश्किल में पड़ जाए। ये हुंकार है बिहार पुलिस की महिला कमांडो की, जो 3 महीने की खास कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर बिहार लौटी हैं। बिहार पुलिस की 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग के लिए पूरे राज्य से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की अलग अलग यूनिट से महिला सिपाहियों का चयन किया गया है। इस ट्रेनिंग के दौरान महिला कमांडोज को हर हाल से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। मार्शल आर्ट के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार चलाने में भी ये महिला कमांडोज माहिर हैं। क्लोज कॉम्बैट हो या हथियारों से दुश्मन को नस्तनाबूद करना, ये हर हालत से सामना करने को तैयार हैं। बिहार लौटकर इन महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ सीखा उसका प्रदर्शन भी किया। अपने हाथों से भारी भरकम पत्थरों को चूर चूर कर दिया, मार्शल आर्ट के पैतरे दिखाए। किसी हमले के वक्त वीवीआईपी को मौके से सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाएगा, मॉक ड्रिल के जरिए इसे भी दिखाया गया। ये महिला कमांडो हर किस्म के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है, एंटी नक्सल ऑपरेशन से लेकर जनरल वारफेयर और वीवीआईपी सुरक्षा। जब जैसी जरूरत होगी इन्हें तैनात किया जाएगा, चुनौती छोटी हो या बड़ी, हालात चाहे जैसे हो, इन महिला कमांडो को हर हालत से निपटना सिखाया गया है और ये भी पूरी तरह से तैयार हर मुसीबत का सामना करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।